अरे एक सेकेंड, ये हल्क तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इसने तो स्पाइडरमैन पे अटैक कर दिया। हल्क प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, हम दोनों दोस्त हैं, प्लीज मुझे मत मारना, मत मारो। चलो यार अभी बस एक लास्ट कंटेनर रह गया है, ओके जल्दी से उस वाले कंटेनर को उठाते हैं और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ, बिकॉज आज मुझे घर पे बहुत ज्यादा काम है। अरे यार एक तो इस मशीन की सर्विसिंग करानी पड़ेगी भाई, अच्छे से काम ही नहीं करती है। ओके बस चलो यार फाइनली ये वाला काम भी डन हो चुका है, अभी जल्दी से उतरते हैं यहाँ से। चलो यार फाइनली मेरा कंस्ट्रक्शन एरिया का सारा काम कम्प्लीट हो चुका है भाई, सुबह से टेंशन थी कि जल्दी से वहाँ पहुंच जाऊँ और जल्दी सारा काम कम्प्लीट कर। चलो फिलहाल मैंने सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से कम्प्लीट कर दी है, अभी निकलते हैं नीचे की तरफ और उसके बाद देखता हूँ भाई क्या करना है, बिकॉज अभी तो मुझे बस घर ही जाना है। लेकिन यार ये बंदे ने जेसीबी यहीं पे पार्क कर दिया, मैंने कल समझाया था उसको। यार ये चिंटू ना मेरी हर बात को हल्के में लेता है भाई, मैंने कल उसे समझाया था कि जेसीबी को इस तरीके से कहीं पे भी रख के मत जाया करो, नहीं तो ये चोरी हो जाएगी। लेकिन यार उस बंदे को इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब अपना काम किया, जेसीबी को कहीं पे भी रख के निकल गया घर की तरफ। भाई मैं उसको समझा रहा हूँ तो एटलीस्ट समझना तो चाहिए उसे। और वैसे भी एक हफ्ते के अंदर यहाँ से 3-4 जेसीबी चोरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज जाके उसे बताना पड़ेगा, बिकॉज ये तो इसकी रोज की आदत हो गई, अभी मुझको उसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो बार बार ऐसे ही करेगा और ऐसे करेगा तो फिर ये वाली जेसीबी भी गायब हो जाएगी यहाँ से। और अगर ये वाली जेसीबी चोरी हुई ना फिर इसके सारे पैसे मैं उससे ही वसूलूंगा, इसीलिए उसको एक बार समझाना पड़ेगा फिर से बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी तक मैं उसे प्यार से समझा रहा था लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अभी तक प्यार से समझने वाले लोगों में से है, इसीलिए अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं जेसीबी को यहाँ कोने में पार्क कर देता हूँ ताकि भाई यहाँ से चोरी ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आएगा नहीं, ये कोने में अच्छे से छुपी रहेगी। वैसे यार हमारे कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर कोई आता भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे हमारी ये जेसीबी चोरी हो जाती है, बट चलो कोई ना, आज देखते हैं ये चोरी होती या फिर बची रहती है। चलो यार इसी के साथ मेरा ये वाला काम भी डन हो चुका है, अभी बस मुझे घर निकलना है भाई। मैं तभी सोच रहा था कि ये मेरा सारा काम हो चुका है, मैं घर निकलता हूँ, लेकिन इस चिंटू की वजह से मुझे यहाँ और काम करना पड़ गया। पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम तो था नहीं। बट चलो अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। बट एक सेकंड, ये क्या हो रहा है यार, ये जमीन क्यों हल रही है भाई, यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यार ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ है। लेकिन ये क्या हल्क भाई, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम, नहीं नहीं प्लीज प्लीज। अरे यार जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा भाई साहब, ये हल्क तो मेरे पीछे पड़ गया यार। अरे यार वो पता नहीं मेरे पीछे क्यों आ गया, मैं कंस्ट्रक्शन एरिया पे अपना काम कर रहा था लेकिन अचानक से मुझे अजीब सी आवाज आई, उसके बाद भाई ये हल्क आ गया यार, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा यार, मैंने तो कुछ नहीं करा यार। मुझे तो लगा कि वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मारने ही वाला था, लेकिन मैं अपने भाई को लेकर चुपचाप से वहां से निकल गया और फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे। भाई मेरी हालत खराब हो चुकी है यार, वो हल्क मुझे क्यों मारना चाहता है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। चलो यार फाइनली मेरा घर आ चुका है, फिलहाल घर के अंदर चलते हैं। लेकिन यार अभी भी मुझे टेंशन हो रही है कि आखिर वो हल्क मुझे क्यों मारना चाहता था भाई, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, और यार ये हल्क हमारे शहर में कैसे आ गया। यार ये हल्क वगैरह ये सब रियल में एग्जिस्ट करते हैं, मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था भाई, मुझे लगता था कि ये सारी चीजें बस टीवी में या फिर फोन वगैरह में दिखाई जाती है, वर्चुअल चीजें हैं। लेकिन यार ये हल्क वल्क तो रियल लाइफ में होते हैं भाई, ये तो मुझे जान से मारना चाहता था। लेकिन चलो मैं बच के वहां से निकल चुका हूँ, पता नहीं भाई मुझे लगता है वो मेरा पीछा करते हुए जरूर आएगा। बट यार पहले मुझे ये तो जानना पड़ेगा कि आखिर वो मेरे पीछे आ क्यों रहा है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है भाई, सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उसका कुछ कर सकता हूँ। और भाई मैं उसका क्या ही कर पाऊंगा यार, वो कितना ज्यादा बड़ा है और मैं कितना ज्यादा छोटा हूँ, अभी क्या करूं भाई समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ भाई, पुलिस से जाके कंप्लेन करूं क्या, लेकिन यार अगर मैं पुलिस वाले से कहूंगा तो भाई उन्हें लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, वो मेरा मजा लेंगे। लेकिन हाँ एक पुलिस वाला है जो कि मेरी बात अच्छे सुनेगा और वो है चिंटू का भाई पिंटू। भाई पिंटू भी तो पुलिस में ही है ना, और पिंटू तो मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है, मुझे लगता है कि वो मेरी बात पे यकीन करेगा और मेरी कोई ना कोई हेल्प भी जरूर करेगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं चिंटू के पास ही चलता हूँ, फिलहाल मैं और कहीं नहीं जाने वाला, बिकॉज अगर मैं कहीं भी जाऊंगा तो उस हल्क को पता चल जाएगा और वो मेरे पीछे आ सकता है, इसीलिए अभी मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ चिंटू के पास, सॉरी पिंटू के पास, चिंटू के दोस्त पिंटू के पास, और उसका जो घर है वो है विलेज एरिया के अंदर, विलेज में रहते हैं वो दोनों। इसीलिए फिलहाल मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाते हुए पहुंच चुका हूँ विलेज एरिया की तरफ, बस आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वो रहा विलेज एरिया, इसी विलेज एरिया के अंदर हमें मिलने वाला है पिंटू। बट यार चिंटू और पिंटू इसमें से कहां रहते हैं भाई, उसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, बिकॉज यहाँ पे कितने सारे घर है और मैं बस इतना जानता हूँ कि वो यहाँ पे रहते हैं, मुझे एग्जैक्ट घर नहीं पता है उनका। यहाँ पे कुछ घरों में ढूंढाढ़ी करता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पे मिल जाए, और अगर नहीं मिला फिर तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज मुझे अभी पिंटू की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे उसके अलावा और किसी पे भरोसा नहीं, मुझे लगता है कि वही है जो मेरे पर भरोसा कर सकता है। अरे यार पिंटू कहाँ है, मैंने कितने सारे घर ढूंढ लिए भाई, सब घर में से किसी में भी नहीं है यार, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे यार मुझे वहाँ पे पिंटू तो नहीं मिला, बट हाँ उसकी गाड़ी मिल चुकी है मुझे, ये वाली बाइक ZSR उसी की है, और मैं जानता हूँ
पक्का वो अभी शोरूम पे ही गया होगा, बिकॉज उन दोनों भाई ने अभी जल्दी पैसे मिलाकर मेरे जस्ट कंस्ट्रक्शन एरिया के सामने एक शोरूम बनवाया था। और अभी आप सामने की तरफ उस वाले शोरूम को देख सकते हो। मुझे लगता है कि भाई फिलहाल वो ड्यूटी पे नहीं गया है, तो इसका मतलब वो पक्का अपने शोरूम के अंदर ही कहीं ना कहीं पड़ा होगा। वैसे यार इसका शोरूम काफी ज्यादा अच्छा चलता है, इसके शोरूम के अंदर जो भी कार्स आती है भाई वो जल्दी से बिक जाती है, उसको बिकने में टाइम ही नहीं लगता है। ऑलराइट, तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ इसके शोरूम के अंदर एंड यहाँ पे देखो भाई एक भी कार नहीं पड़ी है, सारी की सारी कार इसके शोरूम की बिक चुकी है भाई। यहाँ ऐसा ही होता है, सब तुरंत बिक जाती है। वेल अभी चलो ऊपर चलते हैं, बिकॉज मुझे पूरा यकीन है कि वो पक्का मुझे ऊपर की तरफ ही मिलने वाला है। चलो यार फाइनली मुझे पिंटू मिल चुका है, चलो फिर जल्दी से इससे बात करते हैं। हेलो पिंटू भाई, मुझे तुम्हें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और वो बात यह है कि मेरे पीछे हल्क पड़ चुका है भाई, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं ये सोच रहा हूं कि भाई ये सारी चीजें रियल में भी होती हैं क्या? अरे फ्रैंकलिन तुम्हें इतना नहीं पता क्या, ये सारी चीजें रियल में हो सकती हैं लेकिन रेयर केस में। अरे पर अब मैं उससे बचूं कैसे? तुम एक काम करो फ्रैंकलिन, जिस तरीके से हल्क जिंदा हो सकता है उसी तरीके से हम स्पाइडरमैन को भी तो जिंदा कर सकते हैं। अरे हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे? अरे फ्रैंकलिन तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बस तुमसे जो कह रहा हूँ चुपचाप से वो सारी बातें सुनो। अच्छा ठीक है बोलो, तुम्हारी भी सुन लेते हैं। अरे यार ये चिंटू का भाई पिंटू इतना ज्यादा माइंड वाला आदमी यार, मुझे पता ही नहीं था, मतलब इतना क्या कमाल का बंदा है ये यार। इसने वाकई में मुझे एक बहुत ही ज्यादा मस्त प्लान बताया और जिसकी मदद से मैं एक स्पाइडरमैन बन सकता हूँ। अब देखो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन शायद मैं बन सकता हूँ, उसने कहा शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि यार देखो श्योर तो हम इस बात पे भी नहीं थे कि ये जो हल्क वगैरह है ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रेयर केस में किए ना, तो इसी तरीके से भले हमें नहीं लग रहा है कि हम स्पाइडरमैन को जिंदा नहीं कर सकते या फिर स्पाइडरमैन को नहीं ला सकते, लेकिन रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि हम उसे ला सकते हैं अगर हम सारे प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से करें तो। और फिलहाल मैं सारा का सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे कैसे भी करके स्पाइडरमैन बनना है ताकि मैं इस हल्क को भगा सकूं। क्योंकि यार जब तक ये हल्क नहीं भागेगा तब तक मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, और तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना कोई काम नहीं कर सकता, मैं शोरूम पे नहीं जा सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए फिलहाल मेरा बस एक ही मकसद है, मुझे कैसे भी करके इस हल्क को इस शहर से भगाना है, जिसके लिए हमें बनना पड़ेगा स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन बनने का सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें एक मकड़ी को फाइंड करना पड़ेगा, एक ऐसी मकड़ी जो कि पूरी सफेद होती है। और वो जो स्पाइडर होता है भाई वो कोई भी नॉर्मल स्पाइडर नहीं है, उस स्पाइडर के अंदर ऐसी सुपर पावर्स हैं जो कि हमें एक स्पाइडरमैन बना सकती हैं। लेकिन यार इस बात की 100% श्योरिटी नहीं है कि अगर मुझे वो वाला मकड़ा मिल गया तो फिर मैं स्पाइडरमैन बन सकता हूं। लेकिन एक और ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम एक स्पाइडरमैन बन सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन यार शिट, ये क्या हुआ यार, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। यार मैं इस बात से डर ही रहा था कि मैं इतनी तेज बाइक चला रहा हूँ कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, और ये देखो भाई इस कार वाले ने मुझे ठोक दिया। वैसे गलती इसकी नहीं थी, गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैं ओवर स्पीड में चल रहा था और अचानक से ये मेरे सामने आ चुका है भाई। गलती तो इसकी कोई भी नहीं है, मेरी ही है, ऊपर से भाई बेचारे का कितना नुकसान हो चुका है, उसके आगे का बोनट वगैरह सब कुछ टूट चुका है। बट यार अभी फिलहाल मैं इसे आर्गुमेंट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, फिलहाल मैं अपने पूरे प्रोसेस को फॉलो करने वाला हूँ। चलो फिर जल्दी चलते अपने घर के अंदर, बिकॉज उसने बोला था कि अचानक से तुम्हारे घर के सामने से कोई नया रास्ता खुल जाएगा। देखते हैं ऐसा कुछ हुआ भी है या फिर नहीं। लेकिन एक सेकंड, ये देखो भाई मेरे घर के अंदर से एक नया रास्ता ओपन हो चुका है, और शायद से ये जो रास्ता है ये जाता है उस मकड़ी के पास। यार ये क्या चीज है, उस बंदे ने कहा था कि ऐसा भी सिर्फ रेयर केस में हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं भाई, और ये कोई नॉर्मल रास्ता नहीं है, ये हमें पहुंचाता है उस मकड़ी के पास। अगर हम इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाएंगे तभी हमें वो मकड़ी मिलेगी। चलो फिलहाल मैं इसे कंप्लीट करने का ट्राई करता हूं। अब देखो ये वाला जो रास्ता है इसे देख के लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, बिकॉज दिखने में तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन हाँ यार ये कितना भी हार्ड हो मुझे तो कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। क्योंकि अगर मैं इस वाले रास्ते को कंप्लीट नहीं करता हूं फिर मैं स्पाइडरमैन बन ही नहीं पाऊंगा, और स्पाइडरमैन बनने के लिए मुझे इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और हाँ मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था, और वो बात ये है कि देखो अगर उस मकड़ी ने मुझे काट लिया तो भाई श्योर नहीं है कि हाँ मैं स्पाइडरमैन बन ही जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस मकड़ी के काटने से मुझे कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस मकड़ी काटने के बाद मैं एक चीज जिसको मैं पी लेता हूँ उसके बाद मैं पक्का स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। अगर मकड़ी के काटने के बाद फिर मैंने इस वाली ड्रिंक को पी ली फिर तो भाई 100% गारंटी है कि मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, ऐसा पिंटू ने कहा है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो मैं स्पाइडरमैन को कटवाने वाला हूँ, उसके बाद ही देखता हूँ कुछ होता है या फिर नहीं। और अगर हमारे पास उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर पिंटू ने जो कहा है कि लास्ट में हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं उसे भी फाइंड करूंगा और कैसे भी करके उसे पी के स्पाइडरमैन बनूंगा। और स्पाइडरमैन बनने के बाद मैं अपनी पूरी सुपर पावर्स का यूज करके कैसे भी उसे भाई इस शहर से भगाऊंगा, और अगर वो इस शहर से जाने के लिए रेडी नहीं हुआ फिर मैं उसे जान से मार डालूंगा। लेकिन इतना सोचने की जरूरत है नहीं, बिकॉज सबसे पहले तो मुझे उस मकड़ी को फाइंड करना, और फिलहाल मैं इस रास्ते के एंड में शायद पहुंचने वाला हूं शायद, क्योंकि यार मैं इस रास्ते पे काफी देर से ड्राइव कर रहा हूँ बट अभी तक इसकी एंडिंग नहीं आ रही। बट मुझे लगता है कि शायद थोड़ी देर में इसकी एंडिंग आने वाली है, बिकॉज मैंने इसे 50-70% तो कंप्लीट कर ही दिया होगा। ओके तो फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जंप करनी, और मैंने यहाँ से जंप कर दी। लेकिन यार शेट, मैं इतनी मेहनत से यहाँ तक आया था और फिलहाल मैं वहां से नीचे गिर गया। बट कोई ना, अभी फिलहाल मैं दोबारा उतना लंबा रास्ता तय करके फिलहाल यहाँ पे आ चुका हूँ। और देखो भाई इस बार मैंने क्या ही मस्त परफेक्ट लैंडिंग की है, बट पिछली बार मैं यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से गिरा था। बट चलो इस बार तो मैं काफी सेफली आ गया, और फिलहाल आपको यहाँ पे एक पतला सा रास्ता दिख रहा है, मुझे इस पतले के रास्ते के थ्रू और आगे जाना है।
ओके यहाँ पे भाई जंप लगाते हैं और यहाँ पे टर्बो फैन है भाई, इससे बचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल हमें बस सामने की तरफ जाना और यहाँ पे कितने सारे पेड़ लगे हैं यार, इनसे बचते हुए निकलना पड़ेगा। चलो यार फाइनली मैं इसकी एंडिंग में पहुंच चुका हूँ। ओ माय गॉड यार, यहाँ पे एंडिंग में आते ही फाइनली मुझे ये व्हाइट वाली स्पाइडर मिल चुकी है और ये देखो यार ये कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है दिखने में। फिलहाल इससे फ्रैंकलिन को कटवाते हैं। ऑलराइट यार ये तो बिल्कुल वेस्ट हो गया, मैं इस मकड़ी से खुद को कटवाया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि अब हमें प्लान बी को यूज करना पड़ेगा, बिना उसके अब कुछ नहीं होने वाला। अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम प्लान बी यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो हमने इतनी मेहनत की है सब बर्बाद हो गई है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना इसके प्लान बी भी काम नहीं करेगा। यानी कि पहले हमें मकड़ी को कटवाना पड़ेगा, उसके बाद ही अगर हम ड्रिंक पियेंगे तभी जाके हम स्पाइडरमैन बन पाएंगे, अदरवाइज हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारी ये वाली मेहनत वेस्ट नहीं गई है, लेकिन हाँ अब हमें एक और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो फिलहाल मैं इस बिल्डिंग के नीचे आ चुका हूँ बिकॉज यहाँ पे लगी हुई है लिफ्ट और फिलहाल मैं इस लिफ्ट के थ्रू इस बिल्डिंग के टॉप पे जाने वाला हूँ। और जैसे ही मैं इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे जाऊंगा मुझे कुछ ऐसा ही रास्ता मिलेगा जैसा मुझे फर्स्ट टाइम में मिला था मेरे घर के सामने से ओपन हुआ था, वैसा ही एक नया रास्ता मुझे देखने को मिलेगा। और ये देखो फाइनली मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था और वाला रास्ता तो मैं देखने को मिल चुका है। और अभी मुझे इस वाले रास्ते को बहुत ही ध्यान से केयरफुली भाई पूरा कंप्लीट करना है। अभी फिलहाल बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ेगा बिकॉज यार मैं एक रास्ता तो कवर कर चुका हूँ, सेकेंड वाला है तो मुझे इसे भी जल्दी से कंप्लीट करना है बिकॉज इसकी एंडिंग में हमें जो मिलने वाला है ना वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यार अभी जल्दी से ऊपर की तरफ चलता हूँ। ऑलराइट, तो फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ और अभी मुझे यहाँ पे तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो फिलहाल मैं राइट वाले रास्ते को चूज करने वाला हूँ। ओके चलो आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे भाई टर्बो फैन से बचना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं बिकॉज अगर मैं इन टर्बो फैन के बीच में आ गया फिर ये मुझे उठा के सीधा नीचे फेंक देंगे भाई, इसीलिए इनसे बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा रैंप है तो इसे भी ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमें और क्या रास्ता देखने को मिलता है। अरे यार यहाँ पे कितने बड़े बड़े सर्कल टाइप का कुछ लगाया गया है, बट कोई ना उनसे बचते हुए निकलना पड़ेगा। एक सेकंड यार ये बाइक यहाँ पे कैसे फंस गई यार, एग्जिट करके ट्राई करूंगा। अरे यार शर्ट में यहाँ से नीचे गिर गया यार, मुझे लगा मैं बच जाऊंगा बट कोई ना मैं नीचे गिर चुका हूँ। फिलहाल मैं दोबारा से रास्ते कंटिन्यू करने आ गया हूँ और ये क्या, फिलहाल मैं फिर से राइट वाले रास्ते को चूज किया है। चलो यार फिलहाल लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं और वो सामने की तरफ देखो यार, लगता नहीं कि वाला रास्ता इतनी जल्दी क्रॉस होने वाला है बिकॉज सामने कितना लंबा रास्ता है ये यार, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया, बट कोई ना हमें तो क्रॉस करना ही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बिना क्रॉस किए। चलो फिलहाल सामने की तरफ चलते हैं और ये जो गोल से चक्कर घूम रहे ना भाई, इनसे बचना पड़ेगा, ये कभी कभी नीचे फेंक देते हैं। चलो अरे यार यहाँ पे कितने सारे कंटेनर्स हैं तो मुझे इन सभी के सभी कंटेनर्स से बचते हुए निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो मैंने इन सभी के सभी कंटेनर्स को क्रॉस कर दिया, अभी सामने एक और है, आराम से चलेंगे। ऑलराइट चलो ये ऑलराइट मैं लास्ट वाले कंटेनर पे आ चुका हूँ लेकिन यार शर्ट में फिर से नीचे गिर गया, बट कोई ना हम फिर से ट्राई करेंगे भाई, इसके यार कितना ट्राई करना पड़ेगा यार, छोटा सा रास्ता बट पता नहीं कि मुझसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बट कोई ना इस बार मैं इसे कंप्लीट करके रहूँगा। ऑलराइट चलो बस ये लास्ट कंटेनर भाई, पिछली बार यहीं गिरा था, इस बार मुझे नहीं गिरना है। ओके तो यार फाइनली मैंने इन सभी के सभी कंटेनर्स को क्रॉस कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ईजी वे में। चलो सामने यहाँ पे कितने सारे टर्बो फैंस हैं तो मुझे इन सभी के सभी टर्बो फैन से भी बचना पड़ेगा। ऑलराइट बीच में से निकलते हैं। चलो ओके हो गया भाई, बस ये सारे के सारे कंटेनर्स भी खत्म होने वाले हैं, सॉरी ये टर्बो फैंस हैं। चलो बस सामने यहाँ पे एक और टर्बो फैन दिखाई दे रहा है तो हमें इससे भी बचना पड़ेगा भाई, इनसे बचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर मैं इनके बीच में आया ना फिर ये नीचे फेंक देंगे मुझे और डायरेक्ट मैं गिरूंगा यहाँ से नीचे, और यहाँ से गिरने के बाद मैं बचने वाला नहीं हूँ। ओके यहाँ पे इतनी देर के बाद फाइनली मुझे एक और चेक पॉइंट मिल चुका है, लेकिन ये क्या यार मैं यहाँ से निकलने ही वाला था लेकिन ये कंटेनर यहाँ पे सीधा हो गया और मैं यहीं पे फंस गया, बट कोई ना थोड़ा वेट करते हैं उसके बाद आगे निकलने का ट्राई करेंगे। यार मैं सोच ही रहा था कि मैं जल्दी से निकल जाऊँ लेकिन ये वाला कंटेनर इतना तेज था ना भाई, मैं चेक पॉइंट लेने के चक्कर में यहाँ पे फंस गया, बट चलो थोड़ा सीधा हो जाता है। चलो अभी फिलहाल ये सीधा हो चुका है तो यहाँ से आगे निकलते हैं। ऑलराइट यार ये पतला रास्ता नहीं ये मुझे फंसा सकता है। चलो यार क्या ही मस्त जंप थी, मुझे लगा मैं गिर जाऊँगा लेकिन मैं बच गया। ओके चलो यार यहाँ पे छोटी छोटी वॉल्स लगाई गई हैं तो मुझे इन सभी के सभी वॉल से बचना पड़ेगा। ओके आराम से निकालेंगे भाई, जल्दीबाजी नहीं है बिकॉज जल्दीबाजी के चक्कर में बार बार गिर जा रहा था। चलो कंटेनर्स के ऊपर आ चुका हूँ और फिलहाल कंटेनर्स पे भी बहुत ही ध्यान चलना पड़ेगा बिकॉज कई बार मैं कंटेनर से ही नीचे गिर जाता। चलो यहाँ पे एक टर्बो फैन है तो भाई यहाँ पे भी आराम से चलते हैं। ऑलराइट तो सामने की तरफ तुम देख सकते हो कि वहाँ पे जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है हमें उसी वाली बिल्डिंग के ऊपर जाना है। यहाँ पे कितने सारे डस्टबिन से भाई, इनसे बीच में से निकलूंगा तो मैं आराम से चला जाऊँगा और सामने मुझे एक और टर्बो फैन दिख रहा है तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी स्लो में जाएंगे। ऑलराइट चलो आगे निकलते हैं। ओके तो यार फाइनली मैंने इसे भी जंप कर दिया और फिलहाल आपको सामने एक और कंटेनर दिख रहा है तो इसे रोटेट होने देते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं। चलो यार बस ये वाला कंटेनर सीधा हो जाए। चलो फाइनली ये वाला थोड़ा बहुत सीधा तो हो चुका है, अभी इससे भी आगे निकलते हैं। ओके भाई थोड़ा और सीधा ना हो ना। चल यार यहाँ से भी आगे निकल गया, अभी मुझे आगे एक चेक पॉइंट मिलने वाला है तो भाई इसे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मैं इसकी एंडिंग तक पहुँचने वाला हूँ और अगर मैं यहाँ से गिर गया ना फिर मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चलो जल्दी से वाले चेक पॉइंट को ले लेते हैं।
ऑल राइट, तो मैंने इस वाले चेक पॉइंट को भी ले लिया और फिलहाल ये कंटेनर जो रोटेट कर रहे हैं ना, इनसे बचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके बीच में जो गैप है ना, मैं यहाँ से गिर सकता हूँ। चलो आराम से निकलते हैं भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, बिकॉज जल्दीबाजी चक्कर में बार बार गिर जा रहा था। ऑल राइट, अभी आपको सामने यहाँ पे बहुत सारे टर्बो फैंस मिलने वाले हैं, और ये देखो भाई यहाँ पे कितने सारे टर्बो फैन हैं। यहाँ पे आराम से निकलना पड़ेगा, बिकॉज इस कंटेनर के जस्ट बगल में ये वाला टर्बो फैन है ना, ये नीचे फेंक देता है मुझे कई बार। ओके चलो यार, यहाँ से बचते हुए निकलने का ट्राई करेंगे, और ये कंटेनर भी नीचे आ रहा है और ये टर्बो फैन भी। चलो यहाँ से बचते हुए निकलना पड़ेगा, अरे यार थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। चलो फाइनली मैं यहाँ से भी निकल चुका हूँ, और सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, हमें उसी वाली बिल्डिंग के ऊपर जाना, मैं पहुँचने वाला हूँ वहाँ पे। अभी बस इस वाले कंटेनर को भी क्रॉस करते हैं, उसके बाद पहुँच जाएंगे। चलो यार बस आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, हमें वहीं पहुँचने ही वाले हैं। भाई साहब लग नहीं रहा था कि मैं इसे इतने इजी तरीके से क्रॉस कर दूंगा, लेकिन यार ये तो काफ़ी इजी था, बट पहली बार में मैं कई बार गिरा भी था, बट कोई ना, मैंने इसे क्रॉस तो कर दिया ना, बस एंडिंग में पहुंचने वाला हूँ। ऑल राइट, तो ये कुछ रैम्स हैं, इन्हें भी क्रॉस करना पड़ेगा। चलो यार फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ इस वाली बिल्डिंग के ऊपर, और जैसे ही मैं इस वाली बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा, मुझे मिल चुका है ये वाला ड्रिंक, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चलो अभी फिलहाल हमें ये वाला ड्रिंक मिल चुका है, तो सबसे पहले मुझे इस वाली ड्रिंक को फ्रैंकलिन को पिलाना पड़ेगा। ऑल राइट, तो फाइनली मैं ड्रिंक पी चुका हूँ, और फिलहाल मैं इस लिफ्ट के थ्रू दोबारा नीचे आ चुका हूँ। लेकिन यार मैंने उस वाले स्पाइडर से खुद तो कटवा लिया, उसके बाद मैंने वो वाला ड्रिंक भी पी लिया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ यार। बट एक सेकंड भाई, ये अचानक से यहाँ पे हल कैसे आ गया, और ये देखो यहाँ पे तो स्पाइडरमैन भी है, यानी कि फिलहाल फ्रैंकलिन जो है वो स्पाइडरमैन बन चुका है। और सबसे पहले हल्क ने अटैक किया, और फिलहाल फ्रैंकलिन ने भी अटैक कर दिया, और ये देखो भाई ये हल्क गिर गया था, लेकिन दोबारा ये उठ चुका है, और ये क्या भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है, और फिलहाल इसने स्पाइडरमैन को गुस्से में गिरा दिया, और फिलहाल स्पाइडरमैन दोबारा उठ चुका है। देखते हैं कि अभी क्या करता है, और ये क्या भाई, इसने क्या ही मस्त अटैक किया, और अभी यहाँ पे हल्क बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिर चुका है।